दोस्तों फैंस को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो था टीज़र 2.0 का। जी हाँ, रोबोट का एक मूवी सीक्वल है और आपको इसका टीज़र आज देखने को मिल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 9 बजे इसका टीज़र रिलीज़ कर दिया गया और अक्षय कुमार ने कल खुद ट्वीट करके बता दिया था कि 12 घंटे के अंदर आपके सामने टीज़र होगा और एग्जैक्ट 12 घंटे के अंदर ये टीज़र सबके सामने आ गया। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर मूवी रोबोट 2.0, ये मूवी जो है 2010 में आई मूवी रोबोट का सीक्वल है। उसके बाद से ही इस मूवी का काफ़ी इंतज़ार हो रहा था। आपको बता दें कि शंकर ने इस मूवी के अंदर अपनी जी जान झंझो के रख दी है। जी दोस्तों, इस मूवी में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है और साथ ही साथ आपको इसके अंदर बहुत उम्दा तरीके का VFX देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस मूवी की तो ये लास्ट ईयर से पोस्टपोन होती हुई आ रही थी। अब फाइनली ये मूवी 29 नवंबर को रिलीज़ हो रही है और आज इसका टीज़र भी आ गया है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर हम ये तो जानते हैं कि अक्षय कुमार विलन के रोल में है और रजनीकांत चिट्टी के रूप के अंदर अपन को बचाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, वो है एमी जैक्सन, कि वो इस मूवी के अंदर कौन सा किरदार निभा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करने के बाद एमी जैक्सन इस मूवी के अंदर कौन सा किरदार निभाती हुई नज़र आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, उसके अंदर वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट का किरदार निभाती हुई नज़र आएंगे। साथ ही साथ आपको ऐश्वर्या राय की एक झलक ज़रूर देखने को मिलेगी मूवी में, क्योंकि जो इस टीज़र का जो आखिरी वाला सीन है जब चिट्टी हंसते हुए नज़र आ रहे हैं तो वो किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए हैं और वो भी कोई रोबोट है। अगर आपने पहले ध्यान से देखा हो तो एक पोस्टर रिलीज़ किया था जिसमें एमी जैक्सन रोबोट नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, हो सकता है कि एमी जैक्सन इस मूवी के अंदर रोबोट ही हो और वो चिट्टी का साथ देते हुए नज़र आए इस क्रोमैन से लड़ने के लिए। क्रोमैन अभी तक अक्षय कुमार का नाम फिक्स नहीं है, ये हमने खुद अक्षय कुमार को दिया है। तो देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अक्षय कुमार को इस मूवी में क्या विलन का नाम दिया गया है। अक्षय कुमार पहली बार किसी साईफाई मूवी के अंदर विलन के रोल में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है एमी जैक्सन का किरदार इस मूवी में क्या रहने वाला है। सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।